नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। तो कल हम लोगों ने लेक्चर 9 को डिस्कस किया था और उसमें ये बात निकल कर आई थी कि ज्ञान के साथ हमारे जीने में क्या प्रमाण मिलता है, हमारा आचरण कैसा होता है, हमारे कल्पनाशीलता में क्या परिमार्जन होता है, उसको संक्षेप में देखा था और इसको हम लोग विस्तार में आगे चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक असाइनमेंट लिया था, ह्यूमन बीइंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर और एग्जिस्टेंस with a specific role to play. Units of the other orders, physical, bio and animal, have a predefined participation and they are in harmony performing that participation. Only in the case of the human being, it has to understand and play its existential role to be able to be in harmony. So, इसको हमें अपने आप में देखना था, है ना, इसको इमेजिन करना था। और कल ये बात भी हुई थी कि जब हम सही समझ सही भाव के साथ संपन्न होते हैं और ऐसा अगर समाज में हर व्यक्ति इसके लिए काम कर रहा होता है, उससे समाज की क्या स्थिति बनेगी, सिस्टम्स कैसे काम करेंगे, इसको भी हमें अपने आप में कल्पनाशीलता में देखना था, इसको चित्रण करना था। तो हम लोगों ने इसको अगर कल किया है और यदि उससे कुछ प्रश्न बने हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अपने को ये तो दिखता है कि प्रकृति में बाकी तीन अवस्थाएं व्यवस्थित हैं पहले से, मानव के लिए व्यवस्थित होना शेष है और मानव में उसके लिए सहज स्थिति बनी हुई है। मानव में ये पोटेंशियल भी है, हम सब में चिंतन बोध अनुभव की क्षमता भी बनी हुई है। इतना ही है कि अभी हमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए वो जागृत नहीं हो पा रहे। ध्यान देते हैं जागृत हो जाता है और यही काम हम भी कर रहे हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हुए सुबह के सत्र में इसी काम को हम भी करने में लगे हुए हैं। तो इसके साथ यदि किन्हीं कोई प्रश्न बनता हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। कल दिन भर के एक्सप्लोरेशन से अपने में जांच परख करते हुए। नमस्ते भैया जी। नमस्ते जी भैया, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे ही हमें ये कंटेंट मिलता है या व्यवस्था की थोड़ी समझ दिमाग में या अपने अंदर जैसे आनी शुरू होती है, दिमाग क्या मतलब जीवन में जो समझना हमारा शुरू होता है, तो हम थोड़ा आराम में आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब क्या ये पहले से ऐसा डिजाइंड है, सही चीज वास्तविकताओं को जैसे हम देखना या समझना शुरू करते हैं तो आराम में आ जाते हैं, या मतलब ये ऐसा क्यों होता है कि या यही प्रूफ है कि ये ठीक है, ये मतलब ये रियलिटी है, ये प्रूफ है क्योंकि ऐसा समझते ही हम आराम में आ जाते हैं, या ये सही रास्ता है या हमारी समझ के लिए ठीक है। मतलब इसको मैं लिंक करना चाहता हूँ कि व्यवस्था की समझ से मुझे आराम क्यों मिलता है। जी, तो अस्तित्व व्यवस्था पहले से बनी हुई है, हमें उसे क्रिएट नहीं करना, बस उसकी ओर ध्यान देना है, उसके अनुरूप होना है, तो आराम तो मिलेगा ही। आराम का मतलब भी क्या है कि जो मुझे सहज रूप से स्वीकार है वैसा मैं होता हूँ तो मुझे आराम दिखता है, वो उसी को मैं आराम कहता हूँ। जो मुझे सहज रूप से स्वीकार नहीं है उसके अन्यथा होता हूँ तो मैं परेशान होता हूँ। तो व्यवस्था बनी हुई है, शास्त्री तो बना हुआ है, संबंध बना हुआ है और वो मुझ में शून्य के माध्यम से प्रतिबिंबित भी है। मैं उसको जब अपनी ओर ध्यान देता हूँ, उसको जब देखने का प्रयास करता हूँ तो मुझे वैसा दिखाई भी देने लगता है, मेरी स्थिति भी उसके अनुरूप हो जाती है, वही आराम की स्थिति है। ठीक है भैया, ऐसा थोड़ा सोचा हुआ था पहले। दूसरा एक प्रश्न भैया ये था कि जैसे मुझे मैं अपने लिए पर्सनल व्यक्तिगत प्रश्न है कि मुझे अपने अंदर आराम दिखता है, मेरे परिवार के अंदर आराम दिखता है। अब जो कल ये समाज की चर्चा हो रही थी, अब ये चीज मुझे मुझे समाज में भागीदारी इसलिए करनी है क्योंकि समाज सही करना है या उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ इसलिए करना है, मतलब समाज की भागीदारी की प्रेरणा और उसका कारण जो है ठीक से स्पष्ट नहीं हो रहा है। मतलब अपने को ठीक किया करना है, परिवार को करना है क्योंकि उसके साथ जीना है, लेकिन जो समाज के लिए है वहां पे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन सा आ जाता है, वो और वो मेरा कंट्रोल नहीं है उधर, तो उधर ठीक भी करने में बहुत अड़चने हैं। मतलब एक ये भी है कि समाज में भागीदारी क्यों और कैसे। जी, तो अपने को ठीक करना है और ठीक भी कैसे होंगे, हम व्यवस्था की समझ से ही होंगे। जी भैया, व्यवस्था को समझने जाएंगे तो पूरी अस्तित्व की व्यवस्था को समझना बनता है, उसमें समाज भी है, प्रकृति भी है,
तो एक तो बात ये है कि समाज की व्यवस्था को जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो उससे हम भी तृप्त होते हैं, हमारे अंदर समझ भाव सुनिश्चित होता है, उससे हमारा विकास होता है। वैसी प्रकृति भी है, तो जब हम इनको समझते हैं, अपने आप में जांच कर देखते हैं, तो उससे हमें समझ बनती है और जांचते हुए हमें उसकी एक सीमा दिखाई देती है। जब तक हम उसको जी करना देखें, तो जांचना और जी कर देखना ये दोनों साथ साथ चलता है। तो समाज की व्यवस्था को समझने क्रम में समाज की व्यवस्था में भागीदार होते हैं तो समझना बनता है। अगर समाज की व्यवस्था में भागीदार नहीं होते, अपने आप में जांच रहे होते हैं, तो सिर्फ हो सकता है ज्यादा संभावना से विचार कर रहे हैं, जैसे हर व्यक्ति में समाधान हो जाए, है ना। हमने विचार किया तो बात ठीक लग रही है, लॉजिकल है, सहज रूप से स्वीकार भी है, बट हर व्यक्ति में समाधान होगा, है ना, इसको लेकर हमारे अंदर शंका बनी रहती है। तो उस प्रक्रिया में जब जाते हैं, उसको जी कर देखते हैं, तो दिखता है कि हाँ, जैसे मैं सेल्फ एक्सप्लोर कर सकता हूँ, अगला व्यक्ति भी कर सकता है और समाज का कोई व्यक्ति भी कर सकता है। तो समाज की व्यवस्था को समझते हुए मुझे परिवार की व्यवस्था भी समझ में आती है। अगर हम परिवार के लिए विशेष रूप से काम करें और परिवार के बाहर हम संबंध को ना देख पाए, हमें संबंध की स्पष्टता नहीं होती, उसका हमें दुख भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये निर्णय ले लिया भाई परिवार के हर व्यक्ति को समझदार बनाना है, परिवार के व्यक्ति की उतनी तैयारी नहीं है, संस्कार उतना पुष्ट नहीं हुआ है ना, और हम उनके पीछे पड़े हुए हैं, उससे हम भी दुखी हो रहे हैं, अगला व्यक्ति भी दुखी हो रहा है। इनफैक्ट जब हमको संबंध समझ में आता है, तो सिर्फ परिवार के सदस्यों के साथ नहीं, हर मानव के साथ समझ में आता है, वो मानव समाज में ही है। हमें जब व्यवस्था समझ में आती है, सिर्फ परिवार की नहीं, समाज की, प्रकृति की, अस्तित्व की व्यवस्था भी समझ में आती है। अस्तित्व तो दिखता है तो हर, है ना, हर किसी के साथ दिखाई देता है, हर इकाई के साथ दिखाई देता है कि नहीं। तो बहुत बढ़िया जो हम बढ़िया। लोग बात कर रहे थे कि एक तरफ, एक छोर पे हम अनुभव के लिए काम कर रहे होते हैं, दूसरे छोर पर हम अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा के लिए काम कर रहे होते हैं, ये दूसरे छोर को अगर छोड़ दिया जाए ना, तो पहला छोर भी पूरा नहीं होता। जैसे हमें अपने आप में ध्यान देना है, क्या ध्यान देंगे, है ना, हमने सबके साथ संबंध को नकारा हुआ, किस बात पे ध्यान देंगे कि नहीं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू। बढ़िया भैया जी, यदि किन्हीं का कोई प्रश्न ना हो तो हम लोग इससे आगे चलते हैं। ये काम अपने आप में करते रहे, ये जो हम चित्रित कर रहे हैं, तो जो पहले भी बात हो रही थी कि एक तो काम हम सुबह ये कर रहे हैं कि पूरे प्रस्ताव को ध्यान से सुन पा रहे हैं, है ना, एक एक शब्द के अर्थ में जा रहे हैं, दूसरा उसको स्वयं में जांच रहे हैं, यानी चिंतन बोध अनुभव से जोड़कर देख रहे हैं, तीसरा जो उससे जुड़ा ही हुआ है चिंतन बोध अनुभव से, वो ये है कि हम उस वास्तविकता को जैसा है वैसा शुद्ध दृष्टा के रूप में देखने का अभ्यास कर रहे हैं, और चौथा हम उसे कल्पनाशीलता में चित्रित कर रहे हैं, उसे विचार कर रहे हैं, फैलाकर, है ना, उसका जीने के जोड़ कर देख रहे हैं कि नहीं। तो ये सारा काम, है ना, अपने आप में हमको करते रहना है जी। तो भैया आज अभी और कोई प्रश्न नहीं है, तो जो अभ्यास है हम उसको ले लेते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप है। तो अभ्यास एक में हम स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, यानी चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, और स्टेप वन में हमने कल्पनाशीलता के प्रति सजग होने का अभ्यास किया, बिना कल्पनाशीलता को बदले, बिना कोई प्रतिक्रिया किए, बिना कुछ आरोपित किए, जैसा है वैसा देखने का अभ्यास किया, और उसमें मुख्य रूप से भाव को देखने का अभ्यास किया, क्योंकि तो विचार के प्रति तो हमारी सजगता बन जाती है, परंतु भाव कई बार हमें स्पष्ट नहीं होते, तो भाव को देखने का अभ्यास किया। अगर भाव सीधे सीधे ना दिखाई दे, तो फिर हमने विचार को देखा और विचार से निष्कर्ष निकाला कि यहाँ क्या भाव होगा। तो स्टेप वन में बिना कोई मूल्यांकन किए, जैसा है वैसा हमने देखने का, एक तटस्थ भाव से, शुद्ध दृष्टा के रूप में अभ्यास किया अपने भाव को देखने का। इस अभ्यास को हमें बनाए रखना है, ऐसा नहीं कि स्टेप वन पूरा हो गया और हमारे अंदर ये परिमार्जन हो गया, ऐसा नहीं है। ये भाव के प्रति सजगता को बनाए रखना, है ना, पाएंगे कि कई बार हमें मुश्किल लगता है, हम किसी भाव के साथ विचार में बहते रहते हैं आमतौर पर, और उस भाव को हम बीज रूप में देख लें कि भाव है क्या, ये करने योग्य काम है। तो इस पे हम सभी इतना बारीकी से काम करेंगे, इच्छा के स्तर पर हम उतना ज्यादा अपना विकास कर पाएंगे। जो भाव है वो इच्छा के स्तर पर है, और हो सकता है हमारा अभी विकास ज्यादा विचार के स्तर पर है या आशा के स्तर पर है, इच्छा के स्तर पर भी हम ठीक से ध्यान भी नहीं दे पाते,
इसलिए अभी हम सुख को भी चित्रित नहीं कर पाते, समृद्धि को चित्रित नहीं कर पाते, संबंध को चित्रित नहीं कर पाते। तो भाव को सजगता के साथ देखने की जरूरत है, और उसमें हम लोगों ने जो भी कठिनाइयां आती हैं भाव के प्रति सजग होने पर, उसको भी हमने डिस्कस किया था, किस किस तरह की कठिनाइयां आती हैं उसका हमने विस्तार में लिया था। स्टेप टू में हमने अपने भाव का मूल्यांकन करने का अभ्यास किया, ये जो भी मेरे अंदर भाव है वो सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, उसको दूसरी तरह से देखा तो ये मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, तीसरी तरह से देखा तो क्या मैं इसकी निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं, इसको हम लोगों ने अपने आप में देखने का अभ्यास किया अपने भाव को। भैया यही ना? जी भैया। तो स्टेप टू में हमने किया, स्टेप थ्री में हमने उसके साथ अपनी स्थिति का आकलन किया कि इस भाव के साथ मेरी स्थिति क्या है, मैं आराम में हूँ या परेशान हूँ, अपने आप में संगीत में हूँ या अंतर विरोध में हूँ, सुखी हूँ या दुखी हूँ, फिर कई हम उदाहरण भी लिए। तो ये तीन स्टेप्स हम लोगों ने पूरा किया, और ये अपेक्षा था कि हम इसको अपने आप में बनाए रखें, इसको हम करते रहें, ये अपने अभ्यास में ले आए। तो जैसे मैं चैट बॉक्स में पूछ लेता हूँ कि हमें से कितने लोग प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा अलग से इसके लिए लगा रहे हैं, अपने भाव को सजग होते हुए, स्वयं की कल्पनाशीलता को देखते हुए, उसका मूल्यांकन करते हुए, हमें से कितने साथी प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा लगा रहे हैं अलग से, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बढ़िया, अभिषेक जी कर रहे हैं लगा रहे हैं, ऋषपाल जी कर रही है लगा रहे हैं, रविंद्र जी बहुत अच्छा, ममता जी, कई लोगों के नाम रहे, मृणालिनी जी, रमेश व्यास जी, जी प्रभात जी ने समय भी लिख दिया 15 मिनट, ठीक है, अर्चना जी बहुत अच्छा। इसे हम बनाए रखें, अपने अभ्यास को बनाए रखें। जी कृष्ण जी कह रहे हैं 1 घंटे से अधिक लगा रहे हैं, बहुत अच्छा। इसको हम बनाए रखें, इससे हमारे आगे के स्टेप्स को समझना भी आसान होगा, और जो हम लोग ये UHV3 कंटेंट को डिस्कस कर रहे हैं इसको भी समझना आसान होगा, क्योंकि शब्द तो हमें मिल जाते हैं, शब्द के अर्थ में जब हम जाते हैं तो वहाँ भाव को ध्यान देना, भाव को सजग होना, उस शब्द के साथ कैसे मेरा सुख जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, उसको चित्रित कर पाना, इन सब पे काफी बारीकी से काम करने की जरूरत है। इतना हम लोगों ने स्टेप थ्री में किया था, स्टेप फोर में चलते हैं। जी बहुत अच्छा, कई लोग 1 घंटे से अधिक लगा रहे हैं। स्टेप फोर काफी इम्पोर्टेंट है, इसमें हम इस बात को अपने आप पे देख रहे हैं कि मेरे भाव को तय कौन करता है। तो स्टेप वन में मैंने इस क्षण अपने में चल रहे भाव को देखने का काम किया, और स्टेप टू और थ्री में अपने भाव का मूल्यांकन किया। इससे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मैं सहज भाव से सुखी, असहज भाव से दुखी होता हूँ, मेरे भाव के आधार पर ही मेरा सुख दुख तय होता है। अब प्रश्न यह है कि यह भाव जो मेरे सुख दुख का स्रोत है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो मैं स्वयं से सवाल पूछ रहा हूँ कि इस भाव का निर्णय कौन लेता है। मैं इस बात पे ध्यान दे रहा हूँ कि इस क्षण मुझ में जो भाव है, जो विचार चल रहा है, उसका निर्णय कौन ले रहा है? बाहर की कोई स्थिति परिस्थिति, कोई दूसरा व्यक्ति, या मैं स्वयं? तो इसको आप अपने आप में देख सकते हैं, है ना, कई बार आप पाएंगे कि हमारी स्थिति सुखद नहीं है, ठीक, बट हम उसके लिए दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं, दूसरे ने ऐसा बोल दिया, दूसरे ने ऐसा कर दिया, दूसरे मेरी बात नहीं मानी, दूसरे ने मेरे पीछे पीछे किसी के साथ मेरी शिकायत कर दी, तो ये दूसरा दूसरा दूसरा, है ना, कई बार हम अपने परेशानी के दूसरे को कारण मानते हैं। क्या लगता है, मानते नहीं मानते? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो समान एक अभ्यास है कि हम अपने दुख के लिए दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं, है ना, या कोई बाहर की परिस्थिति है, हमको लगता है कि परिवार जब तक ठीक ना हो जाए मैं सुखी नहीं हो सकता, समाज जब तक ठीक ना हो जाए मैं सुखी नहीं हो सकता, मेरे कॉलेज के फैकल्टी जब तक ठीक ना हो जाए, मैनेजमेंट जब तक ठीक ना हो जाए, डायरेक्टर ना बदल जाए, वाइस चांसलर ना बदल जाए, HOD ना बदल जाए, तब तक मेरी स्थिति सुखद नहीं हो सकती। तो हम कई बार ऐसा मानते हैं, है ना, कि बाहर की परिस्थिति या बाहर कोई दूसरा व्यक्ति, और आप पाएंगे कि जैसे मैं ऐसा मानते हैं, हमारे एक शिकायत का भाव बना रहता है, उसने ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, और उसके साथ फिर हम पाएंगे कि हमारे अंदर विरोध का भाव बन जाता है। अब हम देख तो रहे हैं कि विरोध का भाव बन रहा है,
हमें सहज रूप से स्वीकार नहीं है, उसकी स्थिति, उसके साथ जो स्थिति मेरी बन रही है सुखद नहीं है, पर हम का जिम्मेदार तो दूसरा व्यक्ति, मैं क्या कर सकता, आई एम हेल्पलेस। ये अगला व्यक्ति जब तक इस अस्तित्व में बना हुआ है मेरा सुख सुनिश्चित नहीं हो सकता कि नहीं ऐसा ही मान लेते हैं। इसको हम ठीक से ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि एक सामान्य सा अभ्यास है, ये भी एक मान्यता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे दुख के लिए जिम्मेदार है और उसमें बहुत समय लगाते हैं, बैठते हैं किसी के साथ अपना दुख शेयर करना शुरू करते हैं, उस दुख के साथ हम फिर दूसरे की शिकायत करना शुरू करते हैं कि नहीं, फिर वो जितना वो गड़बड़ कर ज्यादा मान कर बताते हैं, ऐसा होता रहता है, अभ्यास बन जाता है। इसमें कठिनाई ये है कि हम अपने ऊपर फिर बारीकी से काम नहीं कर पाते, हमारा विकास रुक जाता है। तो अगर हमने मान लिया कि मेरे दुख के लिए दूसरा जिम्मेदार है तो सुखी भी तो मुझे दूसरा ही करेगा ना, तो फिर मैं परतंत्र हूँ, दूसरे में जब तक ये परिवर्तन नहीं होता तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता, मैं परतंत्र हो गया। तो बारीकी से देखेंगे, परंतु इसको मानने की जरूरत नहीं है, और हो सकता है इस सत्र में हम सहमत हो जाए इस बात पे, परंतु भाव के स्तर पर हम इस बात को देख पा रहे हैं कि नहीं, कि मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ अपने सुख या दुख के लिए, तो मैं ही अपने भाव का निर्णय करता हूँ, कोई और व्यक्ति या बाहर की कोई परिस्थिति मात्र ट्रिगर करने काम कर सकती है। तो मेरे अंदर कोई संस्कार बना हुआ है, है ना, और अगला व्यक्ति के व्यवहार से ट्रिगर हो जाता है, किसी सुविधा के कारण या उसके अभाव के कारण ट्रिगर हो जाता है, कोई परिस्थिति कारण ट्रिगर हो जाता है। तो मेरा इनकम्पिटेंस बना हुआ है, किस रूप में बना हुआ है, मेरे अंदर चिंतन बोध अनुभव की क्रिया जागृत नहीं हुई है, तो मैं मान्यताओं या संवेदनाओं के दबाव में जी रहा हूँ। सामने से कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, कोई वस्तु हो, और हमें वो ट्रिगर कर देती है हमारी कल्पनाशीलता को, और मैं दुखी हो जाता हूँ। तभी ऐसा हो गया है कि हमारा जो बटन है हो सकता है दूसरे के हाथ में है, दूसरा दबाता है कहता है हंसो तो हम हंसते हैं, दूसरा कहता है रो तो हम रोते हैं, दूसरा एक बटन दबाता है हम परेशान होते हैं, दूसरा बटन दबाता है हम आराम पाते हैं। ये परतंत्रता है, शुद्ध परतंत्रता है कि नहीं, कि दूसरे के बटन दबाने के हिसाब से हमारी कल्पनाशीलता की स्थिति बनती है। तो इससे बाहर निकलना जरूरी है ना, वो तभी हो पाएगा जब मैं इस बात को देख पाता हूँ कि बाहर से कोई सूचना तो आ रही है परंतु भाव का निर्णय मेरा है। इसे आप प्रयोग पूर्वक भी देख सकते हैं, वही घटना है ना, परंतु यदि आप में समझ होती है तो आप उससे प्रभावित नहीं होते हैं, समझ नहीं होती प्रभावित हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं तो एक तरह का भाव बनता है, प्रभावित नहीं होते दूसरे तरह का भाव बनता है। अगर हम कोई बात समझ में आ जाए कि दूसरे की चाहना ठीक ही होती है, योग्यता की कमी होती है, और उस घटना से पहले भी दिख रहा है, तो हमको पता ही है कि व्यक्ति की योग्यता की कमी है, कोई ना कोई गलती करेगा, तो हम पहले से ही इस बात को स्वीकारे हुए रहते हैं, है ना। तो हमारी भाव की स्थिति एक होती है, हम जब मान लेते हैं कि नहीं दूसरे को इतनी योग्यता तो होनी चाहिए, ठीक, दूसरा हमारा स्पाउस है, बच्चा है, पेरेंट्स है, मित्र है, इतनी योग्यता तो होनी चाहिए, और फिर वो योग्यता नहीं दिखती, तो हमारे मानने के कारण फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो निर्णय किसने लिया, हमने लिया, हमारा भाव कैसे बिगड़ा, हमारे मानने से बिगड़ा। तो मानने की क्रिया तो मैं में हो ही रही है ना, उस मानने के साथ ही पहचानना निर्वाह करना हो रहा है, वो मानने में चूक होना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि तो माना मैंने है। तो ये बात हमको जितना स्पष्ट रूप से दिखाई देगा उतना पाएंगे कि मैं अपने आप में इस बात के लिए स्पष्ट रहता हूँ कि हर क्षण मेरी जो भी स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ, दूसरा व्यक्ति नहीं। परिस्थिति अनुकूल होती है हम आराम में रहते हैं, कई बार प्रतिकूल होती है हम परेशान हो जाते हैं, तो फिर हम अनुकूल परिस्थितियां ढूंढते रहते हैं, वो ठीक है, हम अपने लिए प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं ढूंढेंगे या परिस्थिति को प्रतिकूल नहीं बनाएंगे, परंतु ऐसा भी नहीं है कि अगर परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए तो हम दुखी हो जाएंगे, हमारा भाव बिगड़ जाएगा। तो ये हम अपने आप में देख सकते हैं कि निर्णय कौन ले रहा है ना। अभी हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इसको आप मान लीजिए कि निर्णय आप ही ले रहे हैं, ठीक, और ये भी नहीं कह रहे हैं कि अगर परिस्थितियां प्रतिकूल है तो ये स्वीकार करके कि मैं जिम्मेदार हूँ हम उस पर डिप्रेस होते रहे कि देखो मुझे अपने ऊपर काम करना है, मेरी योग्यता नहीं बन पा रही है, मैं ही ना समझ हूँ। हमें दूसरे पे भी काम करना है, इस बात को समझ कर, है ना, कि जो मेरी ये बात ठीक है वो उसके लिए भी ठीक है, तो दूसरे में भी भाव का निर्णय दूसरा व्यक्ति ही ले रहा है, मैं नहीं,
उसके भाव को ठीक होना है, मेरे भी भाव को ठीक होना है। तो ये बात हम स्टेप फोर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये बात हम अपने आप में देखने का प्रयास कर सकते हैं कि मेरे भाव का निर्णय कौन लेता है। ये बात जितना स्पष्ट रूप से दिखाई देगा ना, आप पाएंगे कि आपके अंदर जिम्मेदारी का भाव आता है ना। तो आगे जो भी कुछ मेरे साथ होना है कल्पनाशीलता में, मुझमें जो होना है उसकी जिम्मेदारी तो मेरी है। जी भैया नमस्ते सभी को। जी नमस्ते। जी भैया बहुत ही मतलब सही चल रहा है ये जो भी आज का टॉपिक है अभी, कि मेरे भाव को कौन बिगाड़ता है। तो भैया हमारा ये जो हम पढ़ रहे हैं UHV3 का जो सब कुछ हम देख रहे हैं, इसमें हमारा मोटो ही वही है कि हम ये मान के चले हैं कि हमारा भाव जो है वो दूसरों के कारण बिगड़ता है। लेकिन जैसे अभी आप बता रहे हैं, हम लोगों ने भी अभी गत महीने में जानना शुरू कर दिया कि ये भाव को हम ही बिगाड़ते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्लास में बच्चों को पढ़ा देते हैं, है ना, जब क्लास में पढ़ाने के बाद भी अगर वो बच्चे प्रॉपर समझ नहीं पाते तो हमें थोड़ा दुख लगता है। लेकिन मतलब ये जो हो गया, ये प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण हो गई। तो हमको ये समझाना है हमारे अपने आप को, सेल्फ को, कि नहीं ये परिस्थिति धीरे धीरे बदल जाएगी। तो क्या भैया ये मानना सही है हमारा, मतलब जो भी हम कर रहे हैं प्रतिकूल परिस्थिति। ये भी एक स्वतंत्रता है कि जब तक परिस्थिति बदल नहीं जाएगी तब तक हम आराम में नहीं रहेंगे। हाँ तो फिर भी तुम्हें स्वतंत्र ही रहना। हाँ आप कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। हाँ प्लीज उसको सुन लीजिए पहले। हाँ तो ये हम अपने आप में जो एक कल्पना की स्थिति बनाते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, या कहते रहते हैं ऑल इज वेल। रुकिए सुन लीजिए इसको, है ना। तो इसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ तो हम परिस्थिति की अनुकूलता या प्रतिकूलता पे अगर सुख के लिए निर्भर है तब तो हम ऐसा मानेंगे कि चलो आज नहीं ठीक है कल ठीक हो जाएगा। परंतु जब हमको दिखता है कि मेरे सुख दुख का उधार मैं स्वयं हूँ, उसका निर्णय मैं ही ले रहा हूँ, मेरे भाव का निर्णय मेरा है, तो परिस्थिति को जरूर हम वहाँ भागीदारी करेंगे, बट इस आशा से सुखी नहीं होने जाएंगे कि कल को ठीक हो जाएगा, आज भले ठीक ना है। तो अगर ये आशा के आधार पर मैं सुखी होने जाता हूँ तो मैं फिर प्रतंत्र हूँ, क्योंकि परिस्थितियां अगर ठीक होंगी ऐसा कुछ नहीं कि मेरी करने से ही होंगी, है ना। हो सकता है मैंने प्रयास किया नहीं ठीक हुआ। तो मेरी जिम्मेदारी मेरी भागीदारी तक है, फल परिणाम जो भी आएगा उसमें तीन सारी चीजों का योग संयोग है, उसमें मैं भी हूँ अन्य मनुष्य भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल परिवार कोई सदस्य है ना, हम उसे समझदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो समझेगा नहीं समझेगा उसमें उसका भी संस्कार है, परिवार के अन्य लोग भी हैं। अगर परिवार के अन्य लोग डिस्करेज करेंगे, है ना, कि ये सब बेकार बातें हैं तुम इसे मत पढ़ो, नहीं समझ पाएगा। जी भैया बिल्कुल बिल्कुल, वही मेरा पॉइंट था। मैं परिवार से क्लास में चला गया, थोड़ा आगे चला गया था। क्लास में भी है ना। तो अगला व्यक्ति समझेगा नहीं समझेगा, ठीक, ये तो फल परिणाम है, इसमें बहुत सारी चीजों का योग संयोग है। मेरी भागीदारी हर क्षण दूसरे को समझदार जिम्मेदार बनाने के अर्थ में होगी, और मेरा जो निर्णय है ना उसको अपने आप में ठीक ठीक देख पाता हूँ कि अगला समझेगा नहीं समझेगा। इससे मैं अगर सुखी दुखी होने जा रहा हूँ तो मेरे सुख की निरंतरता हो ही नहीं सकती। मेरे सुख की निरंतरता का आधार मेरा समझ मेरा भाव है, और उसमें भागीदारी करता है हर बार दूसरे के साथ। बस बस बस, मतलब मुझे भागीदारी मेरी जारी रखना है, उसके बाद वो परिस्थिति अनुकूल होती है या प्रतिकूल होती है उसके बारे में मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्या मैं सही हूँ भैया? ध्यान भी देंगे बट प्रभावित नहीं होंगे। हाँ प्रभावित नहीं होंगे, राइट राइट। क्लास अगर व्यवस्थित नहीं है तो मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा, मैं एक बच्चे को बुला के अलग से टाइम दूंगा, है ना, उसको मेंटरिंग करूंगा, समझाऊंगा, ठीक, ध्यान बिल्कुल दूंगा बट प्रभावित नहीं होगा। ध्यान देना, यस ध्यान मुझे देना है लेकिन प्रभावित नहीं होना है, जो कि हम हो जाते हैं, है ना। जी 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 भैया नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। और भाषा को ठीक कर ले, प्रभावित नहीं होना ऐसा भी नहीं, मैं ध्यान दूंगा प्रभावित नहीं होऊंगा, समझ और भाव के आधार पर ये बात कही जा रही है। अच्छा अच्छा, ध्यान दूंगा लेकिन प्रभावित नहीं होऊंगा, करेक्ट। मैं ध्यान ही नहीं दूंगा ये छोड़ दे रहा है कि जो हो रहा है होने दो, मुझे क्या करना है ऐसा नहीं करना है। ठीक है भैया। जी भैया नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी भैया नमस्ते। भैया कई बार संबंधों को निभाते बिल्कुल संबंध में रहते हुए, जैसे कल मेरी छोटी बहन आई और उसके बच्चे इंदौर से आए एक हफ्ते के लिए, और वो मेरे यहाँ नहीं रुके,
और वो कहीं दूसरी सिस्टर के यहाँ रुके और वो कल आए मिलने, तो बोले कि मैं खाना पे आ रही हूँ, यही करूंगी, खाना खाऊंगी आपके यहाँ। तो मैंने करा सब कुछ, उनका सब कुछ कर रही थी, और पर है ना मैं अंदर से सहज नहीं हो पा रही थी। मेरे भाव की मुझे ये मतलब शिकायत थी कि मेरे यहाँ एक भी दिन नहीं रुके, और जब मैंने खाना पे बुलाया तभी आए। और तो ये भूल जाते हैं, इतना सजग होने के बाद, इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी वहां मैं बहुत असहज थी, मैं देख पाई अपने को। हालांकि मेरे श्रीमान जी जुड़े हुए हैं अभी, उन्होंने समझाया भी था, बोला भी था कि अपने आप को देखो, और पर ऐसा हो जाता है कई बार गड़बड़। तो ये क्यों होता है भैया, इतनी मतलब वो रहने के बाद भी जुड़े हैं यूएसपी से, इतना प्रैक्टिस करने के, इतना सजग होने के बाद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर बाद में मैंने सब कुछ उसको भोजन कराया, सब बहुत अच्छे से रही दिन भर, शाम को चली गई। पर वही थोड़ा जब आई थी तो एक दो घंटे में बिल्कुल सहज नहीं थी, उससे बात भी बिल्कुल कम कर रही थी और चुप थी। जी ठीक बात है, तो परिवार के लिए सब मुद्दे महत्वपूर्ण रहते हैं, तो इस बात को हम गंभीरता से लेंगे तो जरूर कि अगला व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं रुका, और उसमें देखें कहीं ऐसा तो नहीं हमारे संबंध के निर्वाह में कहीं कोई चूक हुई है। तो बिल्कुल गंभीरता से हम अपने निर्वाह का मूल्यांकन करेंगे कि अभी तक जो निर्वाह किया हमने उसमें कहीं कोई हमारे से चूक तो नहीं हुई। ये कंसर्न तो जेन्युइन है ना, वो कंसर्न तो हम बिल्कुल रखेंगे, ठीक है। और अभी हम योग्यता को विकसित जी, पर ये देख पाई कि मैंने उससे कुछ कहा नहीं, मतलब इतना तो जरूर यदि पहले होती तो पूरी शिकायत का एक पोथी रख देती उसके सामने, लेकिन मैं चुप रही, बस इतना जरूर मैं देख पा रही हूँ कितना सुधार हो रहा है शायद पर अंदर से भाव सहज नहीं हो रहे थे। जी जी जी, तो ऐसा है कि हम उनके साथ अगर अवसर अनुकूल रहा तो हम संवाद भी करेंगे कि क्या बात होगी आप हमारे यहाँ नहीं रुकी, हो सकता है कोई ऐसी हमारे व्यवहार की चूक ना हो, अगले व्यक्ति का कोई ऐसा काम हो जो जहाँ पे ठहरे हैं वहां से ज्यादा नजदीक पड़ता हो तो वहां ठहर गए, है ना। अगले व्यक्ति के भी व्यवहार में भाव में कोई चूक हो सकती है, तो अगला व्यक्ति हमारे बारे में कुछ मानकर किसी ने कह दिया, प्रभावित हो गया, तो हम कंसर्न जरूर रहेंगे। तो कंसर्न होना यानी हम संबंध को स्वीकारे हुए, संबंध में हम दूसरे के सुख के लिए अपने आप को है ना उसमें अपनी भागीदारी को स्वीकारे हुए कंसर्न रहेंगे, और हम उस पर ध्यान भी देंगे, उसके साथ ही अपना मूल्यांकन करेंगे, अवसर मिलेगा संवाद भी करेंगे, और ये भी हमको दिखाई देगा कि ये मेरी जिम्मेदारी तो है ना। तो भाव का निर्णय मैं ले रहा हूँ, साथ में ही मेरे जो कॉम्पिटेंस है उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी भी मेरी है, अगर कहीं मेरे कॉम्पिटेंस में कमी है तो उसको हम डेवलप करेंगे आगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल कंसर्न तो ठीक है, जैसे अभी हमारे अंदर कंसर्न है कि समाज में इतनी अव्यवस्था फैली हुई है, ठीक, ये कंसर्न जेन्युइन है, ये तो कंसर्न होना बनता है, बट इससे हम दुखी हो जाए ये नहीं बनता। तो अगला व्यक्ति अगर हमारे व्यवहार से कहीं आहत हो रहा है, हमारे साथ संबंध को नहीं स्वीकार पा रहा, नहीं देख पा रहा, बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है, जैसे हमारा बच्चा अगर मान लीजिए हमारे संबंध को नहीं स्वीकार रहा, तो ऐसा नहीं कि हम इग्नोर करके चलेंगे, बिल्कुल कंसर्न फील करेंगे कि कहीं क्या कुछ चूक हो रही है, परंतु उससे हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि हम अपना मूल्यांकन करेंगे और आगे के लिए हम देखेंगे और कैसे हम अपने आप में परिमार्जन कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं अपने निर्वाह में। जी भैया, एक्चुअल में जहाँ रुकी वो सिस्टर अकेली है, इसलिए शायद वहाँ रुकी, वो सब मतलब ऐसा जान पा रही थी मैं, बट वो ये कि इसके बाद भी मतलब मेरे भाव क्यों गड़बड़ होते हैं, वो ये और मतलब अपने आप में ठीक करना है ना भैया। जी जी बिल्कुल जी भैया, थैंक यू भैया। हाँ भैया नमस्ते, सबको नमस्ते। भैया जी, मेरे को समझ में तो ये आ रहा है योग्यता की कमी सामने वाले में है, और मैं अपने भाव को भी देख पाता हूँ थोड़ा बहुत, और संबंध भी उससे मधुर होता है। और मेरा ये सवाल है भैया जी कि अभी सिर्फ इतना अगर देख पा रहे कि योग्यता कमी आगे सामने वाले में है, तो हम अपनी योग्यता कमी को फिर नहीं देख पा रहे हैं, उसको भी देखना जरूरी है। जी भैया जी, तो अगर हमने ये मान लिया कि योग्यता कमी सामने वाले में है, फिर तो हम अपने आप को योग्य मान के चल रहे हैं ना, फिर वो तो हमारे मूल्यांकन में चूक होगा। जी भैया जी, तो इसको देखते हुए और भाव को भी देखते हुए कि विरोध का भाव है, संबंध का भाव है, कोई भी भाव है, उसको फिर सहज स्वीकृति को भी मैं चेक कर पा रहा हूँ कि ये बने रहना है कि नहीं बने रहना है। इतना काम तो शुरू हुआ है कुछ कुछ, लेकिन क्या क्या होता है ना भैया जी, कभी कभी कोई घटनाएं ऐसी घट जाती है,
आप चाहे वो अनुकूल या प्रतिकूल हो, तो फिर ऐसा बोल देता हूं मैं कि चलो प्रकृति को यही मंजूर था। तो ये कहां तक सही है कि चलो दूसरों पे, प्रकृति भी दूसरा ही है एक तरीके से, मतलब जिसमें अपना वश ना हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हम लोग बार बार बात कर ही रहे ना कि जो फल परिणाम आ रहे हैं उसमें कई चीजों का योग संयोग है कि नहीं। तो जो फल परिणाम आ रहे हैं उसमें तो हम पहले से देख पा रहे हैं कि सिर्फ मेरी भागीदारी नहीं है उसमें, तो पूरी प्रकृति की भागीदारी है। तो उसके साथ ही वो फल परिणाम आ रहे हैं। तो कई बार हम कम श्रम किए ज्यादा फल परिणाम आ गया, ज्यादा श्रम किए नहीं आया, है ना। आपने खूब पढ़ाई की बट वो क्वेश्चन नहीं आया जो आपने पढ़ाई किया, आपने कम पढ़ाई की बट वही आ गया जो आपने पढ़ाई किया। तो ये योग संयोग तो बन ही सकते हैं। तो जो फल परिणाम आते हैं उसमें है ना कई इकाइयां शामिल रहती हैं, तो इसको हम पहले से देख पाते हैं। इसलिए अलग से कुछ अपने आप में कोई विचार करने की भी क्या जरूरत है। हमारी जिम्मेदारी हमारी भागीदारी के अर्थ में है, उसको हम ठीक से पूरा करेंगे, है ना, उसके लिए हम तैयारी करेंगे। बढ़िया भैया, हम लोग इसमें अभी कुछ और हैंड्स रेज्ड हैं, बट अभी ऐसा करते हैं 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं, इस बात को अपने आप में ऑब्जर्व करते हैं, है ना, स्वयं में देखना है। तो भैया 10 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन वाला स्लाइड लगा देंगे क्या? तो ये मुझे देखना है कि मेरे सुख दुख का निर्णय कौन लेता है, मेरे भाव का निर्णय कौन लेता है, बाहरी कोई परिस्थिति, कोई दूसरा व्यक्ति या मैं स्वयं। तो 10 मिनट ऑब्जर्व करें, अभी 7:05 हो रहा है, 7:15 तक हम लोग ऑब्जर्व करें, इस बीच में कोई प्रश्न नहीं लेंगे। और हम सभी कहीं एक निश्चित स्थान पर बैठ सकते हैं, अगर अवसर है तो संडे है, तो जो काम में व्यस्त है उसको थोड़ा रोक कर भी बैठ लें, देख लें स्वयं में, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं।
जी बढ़िया। तो उन्होंने स्टेप फोर पे अभ्यास किया 10 मिनट के लिए अपने भाव के प्रति सजग बने रहते हुए इसको देखने का कि निर्णय कौन ले रहा है, इसको हम बनाए रखें। इसमें ये संभावना है कि एक बार हमको ये विचार से भी स्पष्ट हो जाए कि निर्णय मैं ही लेता हूँ, तो ये भाव हमारे अंदर बना रहता है कि इस क्षण जो कुछ भी है उसका निर्णय मेरा है, मेरी कल्पनाशीलता में इसकी स्वीकृति बनी रहती है। और कभी किसी क्षण में अगर आप आवेशित भी होते हैं तो सकता उस क्षण में ध्यान न रहे, परंतु यदि वहां पर भी ध्यान आ जाए तो आप तुरंत अपनी जिम्मेदारी स्वीकार लेते हैं कि आपके भाव की जिम्मेदारी तो आपकी। तो मुझ में जो भी भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय मैं ही लेता हूँ, कोई और व्यक्ति या बाहर की परिस्थिति मात्र ट्रिगर करने का काम कर सकती है, मेरा ध्यान उस ओर खींच सकती है, परंतु अंततः मैं ही अपने भाव विचार का निर्णय लेता हूँ। अपने भाव विचार के आधार पर मैं सुखी या दुखी होता हूँ, इस अर्थ में मैं ही अपने सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ, मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ। इस बात को अपने आप में आप ऑब्जर्व करें। जी कुछ हैंड्स रेज है, प्रश्न लेते हैं। जी भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। जैसे भैया बात कर रहे थे तो आपने ऐसा बताया कि हम लोग दूसरे के समझ पर भी काम करेंगे, तो दूसरे के समझ पर जो काम करेंगे तो फिर तो भैया वो बात आ जाएगा ना, जो जो है किसी के समझ पर हम काम करना चाह रहे हैं तो उनका इतना कट रही है वो कितना जी दूसरे के, आप कह रहे थे कि दूसरे के समझ पे भी हम लोग काम करेंगे तो उसमें जो है सो दूसरे का जो स्थिति है उसका जो पोटेंशियल मतलब उसका जो क्षमता है और वो हमसे कितना आश्वस्त है, ये सब बहुत सारा बात पर डिपेंड करता है ना, तो आप इस पे एक बार थोड़ा सा और बता दीजिए। जी तो पोटेंशियल तो उसमें वही है जो मुझ में है। जी अलग प्रकार का है, इतना ही है। तो पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, चाहने कोई कमी नहीं है, समझने की प्रक्रिया भी वही है, हमें जांच परख करना। जी 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 जो जो कठिनाई है वो सिर्फ उसके संस्कार में है जो मेरे साथ भी है। ये बात हमको दिखाई देता है तो एक स्नेह के भाव के साथ तो मैं उसकी योग्यता को विकसित करने का अभ्यास करता हूँ, प्रयास करता हूँ। जी 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 हाँ, ये जो आप अभी ये जो चीज ध्यान दिया है, जो संस्कार है वो जो हमारा या किसी भी व्यक्ति का वो वाला चीज, ये चीज अभी पकड़ में आया जी। और भैया एक और छोटी सी बात मुझे पूछनी है, ये अभी रिसेंट सीजन का नहीं है, ये जब नेचर वाला और हर यूनिट का जो चल रहा था डिस्कशन जिसमें मेरी भागीदारी क्या हो सकती है उससे है कि बहुत सारा ऐसा काम है जिसमें मान लीजिए हम अपनी बात कर रहे हैं, जैसे हम जंगल का नहीं काट रहे हैं, हम जो है मृदा क्षरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज तो हो रहा है ना। अब मान लीजिए हम चाह के भी जो है प्लास्टिक का उपयोग अपने जीवन में कम कर रहे हैं, जैसे आपके भैया का जो पुराना पैंट है उसका हम झोला बनवा लिए, उसमें हम सामान लाते हैं ले जाते हैं, यू कोशिश करते हैं कि हम शॉपकीपर को भी कहें जो नहीं ये चीज आप पॉलीथीन रहने दीजिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारा प्रकृति में ऐसा चीज, जैसे वो राइट हियर राइट नाउ फिल्म भी देखे तो बहुत सारा, जैसे मेरा लैपटॉप 2009 का लैपटॉप आपके भैया को अवार्ड में मिला था कॉलेज से, वो चल रहा है अभी तक, तो ठीक है भैया, लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज हो रहा है जिसमें मेरी डायरेक्ट भागीदारी नहीं है लेकिन वो प्रकृति के साथ हो रहा है। तो इस पे जब हम बहुत देर मतलब विचार किए, विचार ही हम कह सकते हैं, भाव तो नहीं मुझे पकड़ में आया, तो मुझे विचार में तब यही घूम फिर के आया कि फिर तो यही सबके समझ पे काम करना है, अपना भी समझ ठीक करना है और दूसरा का भी समझ ठीक करना है ताकि प्रकृति में जो ये हो रहा है उसको वो कम हो जाए, खत्म हो जाए। तो इस पे भैया आप क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे हम जो ये इतना देर विचार में घुमाए इस बात को? ठीक बात है, तो हम समझ के लिए भी योजनाएं बनाएंगे और तात्कालिक रूप से अगर कोई समस्या बढ़ रही है उसके लिए कुछ नियम भी बना लेंगे, है ना। तो अगला ऐसा नहीं कि जब अगला व्यक्ति पूर्णतया समझदार हो जाएगा तब भी हम ये देख पाएंगे कि इस चीज में परिवर्तन हुआ। अगर हमको सामयिक रूप से कोई एक अनिवार्यता बन गई है ना, तो हम उसके लिए कुछ नियम भी बना सकते हैं कि भाई ऐसा, और मिलके बैठ के बना लेंगे नियम कि आप लोग बताइए आप लोग क्या उचित लगता है, तो ये भी करेंगे। तो दूसरे के समझने में भागीदारी भी करेंगे, सामयिक रूप से कुछ उपाय करना होगा वो भी करेंगे सबके सहमति स्वीकृति के साथ, है ना, परिवार में सभा करते हुए या समाज में हम उस रूप में भागीदारी करते हुए उसको भी करेंगे।
तो अभी भी जैसे देखिए तो सब में समझ बन जाए इसके लिए शिक्षा में काम हो रहा है, शिक्षा में कोर्सेज लाए जा रहे हैं, है ना, इस तरह के इनपुट दिए जा रहे हैं, तो हम उसके लिए योजना कार्यक्रम बना रहे हैं। इससे हम प्रभावित मगर नहीं होंगे कि अगर मान लीजिए नहीं स्वीकृत हुआ किसी यूनिवर्सिटी में, या कोई नहीं समझदार बन पाया, या किसी ने ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं कि हम उससे परेशान हो जाएंगे। तो इसमें मुख्य काम यह है कि हम स्वयं में व्यवस्था के लिए काम करते रहते हैं और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करते रहते हैं, इसका मुझको हर क्षण सुख मिलता रहता है। तो स्वयं में व्यवस्था, अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, इसका सुख मुझे मिलता रहता है। तो मैं अपने आप राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग के लिए काम करता रहता हूँ, दूसरों के लिए भी काम करता रहता हूँ, तात्कालिक या सामूहिक रूप से जो कुछ जरूरी है उसको भी कर लेते हैं, बट हमारे में संबंध का भाव बना रहता है। जी, और भैया ये मैं आपके बात को मतलब काट नहीं रही हूँ, लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कि नियम तो हम लोग बहुत सारा बना लेते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारा रूल बन जाता है, लेकिन उसमें भी भैया हमारी एक निष्ठा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात है, यूनिवर्सिटी में ही हम किसी से सबमिट करने गए, तो यदि मैम ने एक नियम बना दिया कि लाइन से आप आइए थीसिस सबमिट करने के लिए, तो उसमें हमको यदि हड़बड़ी हो जाए, हम उस नियम, मेरे में निष्ठा नहीं रहे कि ये नियम हमारे ही भले के लिए बनाया गया है, हमारे सुविधा के लिए, तो फिर तो हम वहां जाकर के लड़ने लगते, जो अरे मेरा तो बच्चा छोटा है, हम चार घंटे से लाइन में लगे हुए, आप नहीं समझ रही है। तो नियम ये भैया मेरा अपना, मैं गलत भी हो सकती हूँ सही भी हो सकती हूँ, कि नियम भी हम यदि कोई बनाते हैं तो हमारे ऊपर यदि हमको यदि वो समझ और निष्ठा नहीं हो तो नियम को भी हम इनकार कर देते हैं। मैंने देखा है मेट्रो में आप अपना लगा ही देना कार्ड, जो हमारे पीछे से कोई उसी कार्ड के साथ जो है सो पार कर जाते हैं, उनको अपना नहीं देना, वो उनका कार्ड नहीं, उनका पैसा उसमें खर्च नहीं हो। तो मुझे लगता है कि उसमें भी थोड़ा सा हमारे अंदर निष्ठा और समझ बना रहे, तभी हम नियम भी पालन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुख्य बात यह है कि हम दुखी परेशान नहीं होते लोगों की अयोग्यता से। जी है ना, लोग तो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ जी भैया, ये गलती करेंगे ध्यान में दिला, ये ध्यान में जो दिला रहे हैं कि नहीं ठीक है, बहुत तरह का संसार में बहुत तरह का बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हम उसमें किस तरह से हैं, उस ये चीज मेन इम्पोर्टेंट है। जी जी जी, जी भैया ठीक है भैया, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। जी भैया जी, हाँ नमस्ते भैया जी, नमस्ते सभी को। मेरा एक प्रश्न ही था, शेयरिंग भी समझ लीजिए प्रश्न। कल मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ, हादसा क्या मतलब, एक इंसिडेंस इस तरह से कि जैसे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बच्चा, हम लोग ये कंटेंट सुन ही रहे काफी टाइम से और कोशिश कर रहे हैं कि उसको जीने में भी लाए। तो अभी वेकेशंस चल रही है क्योंकि समर वेकेशंस बच्चों की, तो कल मैंने छोटे वाले बेटे को अपने बोला, 11 साल का है जो, उसको कि बेटा काफी टाइम हो गया अपन ने कुछ पढ़ा नहीं है, चलो थोड़ा मैथ्स की एक्सरसाइज करते। तो उसने ली और मैंने बोला ऐसा फोर्स नहीं है, आपको कभी भी दिन में कभी भी जब भी टाइम मिले कर लेना, 10 मिनट का है आप तो फटाफट कर लोगे, वो पढ़ने में भी ठीक है अच्छा ही है। पर पूरा दिन निकल गया, रात भी हो गई, मैंने बोला दिखाओ करा क्या, तो बोलता है कि नहीं मम्मा मैंने नहीं किया। मैंने कहा क्यों बेटा, 10 मिनट की तो थी। तो उसका आंसर आया कि मुझे अंदर से ही मन नहीं कर रहा मम्मा करने का, पढ़ने का। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई, ये क्या हो गया बेटा, मतलब अभी तक ऐसा था कि अगर उसको कुछ नहीं करना तो पढ़ाई तो करनी रहती थी, और 5-6 दिन से ऐसा हो रहा है कि वो अपने स्टडी टेबल पे जाके बैठ भी नहीं रहा। तो मैं थोड़ा सा, मेरा भाव ऊपर नीचे हुआ, फिर मैंने थोड़ा अपने आप में देखा कि नहीं मुझे तो अपना भाव ठीक ही रखना, उससे बात करनी है, बात करी, फिर पूरा अच्छे से उससे बात करी, उसे समझने की कोशिश की उसके अंदर चल क्या आ रहा है। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि बेटा क्यों नहीं करना, तो मुझे पता नहीं मम्मा क्यों नहीं करना। और फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप करना क्या है, तो फिर ऐसे बोलता है कि मम्मा मुझे मतलब हमारा लक्ष्य है धरती बचाना। तो मैंने कहा कैसे बचाओगे, तो अपने छोटे छोटे वो इम्प्लीमेंटेशन जो करता है वो बताने लगा कि मैं ऐसे ज्यादा कपड़े नहीं खरीदूंगा, ये सब बताया उसने। फिर मैंने कहा बेटा लेकिन इससे आप पूरे अच्छे से तो नहीं कर पाओगे, मानव लक्ष्य भी नहीं। तो उसके अंदर क्या चल रहा है वो मैं नहीं निकाल पाई, और मेरा भाव बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। कई बार मैं मतलब गुस्सा नहीं करते हुए भी थोड़े से मेरे टोन में ऐसा हो रहा था, मैं परेशान तो हो रही थी मानती हूँ, और रात भर मैं यही सोचती थी कि ऐसा क्या हो गया कि भाई इसका इस तरह से पढ़ाई से एकदम से मन हट गया। 11 साल का ही है वो बच्चा, और वो बहुत सारी चीजें मतलब हम लोग जो करते हैं सुनते हैं देखते हैं वो पूरा आचरण में लाने की कोशिश भी वो करता है। मैं इस चीज को कैसे लूं भैया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं बहुत परेशान भी हूँ थोड़ा। जी तो देखिए मतलब जो बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया वो तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स ने दिया कि मेरा लक्ष्य धरती बचाना, अब उसको पढ़ाई लिखाई से ज्यादा महत्वपूर्ण काम धरती बचाना दिख रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो एक तरह से देखें तो हो सकता है कि हम पढ़ाई लिखाई के प्रति कुछ ज्यादा इंक्लाइंड है,
हमारी कोई मान्यता बनी हुई है, हम भी अपने आप में देखें कि हम बच्चे को पढ़ाने लिखाने का क्या प्रयोजन देखते हैं, क्यों उसको हम पढ़ाई लिखाई पे जोर दे रहे हैं। तो पढ़ना लिखना उपयोगी है ना, आवश्यक भी है स्किल सीखने के लिए, परंतु ये जो बच्चे के अंदर भैया मैंने यही चीज उसको भी मैं सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, यही चीज मैंने बोला कि बेटा स्किल तो आपको करनी पड़ेगी, आप अगर किसी कुछ अच्छा करते बड़े होकर कुछ करते हो तो वो ज्यादा मायने रखेगा धरती बचाने के लिए या कुछ अच्छा, स्किल पे पार्ट आपको इग्नोर नहीं करना बेटा, ये चीज तो करना व्यवहारिक जो जीव अपना ये चल रहा है ये तो सुनना ही है। थोड़ा कम है मैं बता देता हूँ, है ना, तो इसमें जो करने काम था कि हम पढ़ाई लिखाई पे फिर फोकस ना करते हुए या पढ़ाई लिखाई पे जोर ना देते हुए बच्चा जो कह रहा है कि मैं धरती बचाना चाहता हूँ उसको हम एक्सप्लोर करने देते हैं कि धरती कैसे बचाओगे बताओ, है ना, इस पर हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं। ये तो बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी हम पढ़ लिख के धरती खराब कर रहे हैं, ठीक, और ये दिख रहा है जितना ज्यादा पढ़ाई लिखाई हो रहा उतनी ज्यादा धरती खराब हो रही है, तो बच्चे को हो सकता है स्पष्ट हो रहा है कि पढ़ने लिखने से धरती नहीं बचेगी, पढ़े लिखे लोग ही धरती को खराब कर रहे हैं, अनपढ़ लोग थोड़ी धरती खराब कर रहे हैं। तो अगर धरती बचाने की बात करें उसको हम बैठ के साथ में एक्सप्लोर करेंगे, को एक्सप्लोर करेंगे भाई, हाँ इसको चलो मिलकर हम देखते हैं, उसके लिए जो आवश्यक स्किल्स है वो बच्चा खुद ही निर्णय ले लेगा कि ये स्किल्स जरूरी है और इसके लिए इतना काम करना जरूरी है। अच्छी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि, है ना, वहाँ हमारी कोई अपनी मान्यता बनी हुई है, कोई संशयता बनी हुई है और हमको लग रहा है बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, हमने पढ़ाई लिखाई के साथ बहुत सारी चीजों को जोड़ा हुआ है, कहीं हमने सम्मान को भी जोड़ा हुआ है, इन सब चीजों को भी जोड़ा हुआ है, तो हमें तो पहले अपना ही मूल्यांकन ठीक से करना होगा। और इसमें जो करने का बनता है वो ये है कि हम बच्चे के साथ बैठ के एक्सप्लोर करें उसको, हाँ धरती बचाने के लिए क्या करना है, चलो हम दोनों मिलकर धरती बचाते हैं ना, उसके लिए क्या क्या करना आवश्यक है, उसके लिए क्या समझना आवश्यक है, क्या सीखना आवश्यक है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे इन प्लेस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग की, है ना, ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद भैया, धन्यवाद जी। ठीक है, तो अभी इसको पिछले स्लाइड पे रहते हैं ना, उसी को बात करते हैं, पिछले स्लाइड भी रहने दीजिए, इसको कल हम लोग और डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये बात हम अपने आप में देख सकते हैं कि मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ, इतना मैं देखता हूँ तो फिर मैं शिकायत मुक्त होता हूँ दूसरे व्यक्ति के प्रति। तो इस बात को हम अपने आप में ऑब्जर्व करें, आज दिन भर के लिए असाइनमेंट है, तो इसमें आपको दिखेगा काफी कुछ है करने योग्य, जब आप बैठेंगे और अपना मूल्यांकन करेंगे तो हो सकता है पास में जो भी आपका दुख रहा उसको हम कहीं ना कहीं दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं उसके लिए, बट हम इस बात को अगर अपने आप में ऑब्जर्व कर पाए तो आज के दिन मेरे जो भाव है उसका निर्णय भी मेरा है, मैं उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ, पास में भी जो कुछ हुआ उसके लिए भावित हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, घटना के लिए नहीं, घटना में कई लोगों की भागीदारी हो सकती है परंतु उस घटना से जो मैं प्रभावित हुआ उससे उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। इस बात को हम स्पष्टता से बारीकी से अपने अंदर देख सकते हैं कि अंततः अपने भाव विचार का निर्णय मैं लेता हूँ, बाहरी कोई परिस्थिति होती है कोई व्यक्ति होता है ये सिर्फ उसको ट्रिगर करते हैं कि नहीं, सामने अभी कोई गुलाब जामुन का ट्रे ला के रख दिया तो हमारे अंदर एक निर्णय हो गया कि अभी इसको खा ही लिया जाए, तुम्हारी पूरी कल्पनाशीलता की स्थिति ऐसी हो गई, हम प्रभावित हो गए उससे। तो ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन ने हमारी कल्पनाशीलता को बदल दिया, उस गुलाब जामुन के प्रति जो मेरे अंदर एक संवेदना का अभ्यास बना हुआ है, मान्यता बनी हुई है, उससे मैं प्रभावित हुआ। अगर वो मान्यता बदल जाए, है ना, जैसे अगर ये हो कि भाई आज तो रविवार है, रविवार को मैं कुछ खाता नहीं, दोपहर के बाद ही कुछ खाता हूँ, और अभी कोई लेकर आ जाए तो हम निर्णय लेते हैं कि ठीक है अभी नहीं लेना है, तो हम प्रभावित नहीं होते, वस्तु वही है हमारा भाव बदल गया। ये व्यक्ति के व्यवहार के साथ भी है कि नहीं, इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें, मेरे भाव का निर्णय कौन ले रहा है, क्या मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ या नहीं हूँ। तो इसको थोड़ा हम रिकलेक्ट भी कर सकते हैं, अपने पास्ट में जाके देख सकते हैं, हो सकता है बहुत सारी ग्रंथियां, बहुत सारा विषाद दुख, है ना, अपने अंदर बना हुआ है किसी व्यक्ति को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर, किसी घटना को लेकर बहुत सारा हम अपने अंदर दुख पाले हुए हैं, बैठते हैं ध्यान देते हैं तो वो उभर उभर कर सामने आता है, उसमें हमको दिख जाए कि उस समय जो मेरा भाव बिगड़ा उसकी जिम्मेदारी मेरी थी, घटनाएं चाहे जो भी हो, अगले ने कुछ अपशब्द कह दिया, कुछ कह दिया, है ना, तो वो दूसरे की जिम्मेदारी थी जो उसने कहा,
उससे अगर मैं प्रभावित हुआ तो मेरी जिम्मेदारी थी। ठीक है भैया जी। यशवंत भैया जी। जी भैया, तो एक अनाउंसमेंट यही थी कि हम में से जो साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं वो कृपया चैट बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है उसकी सहायता से ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे जो मॉर्निंग सेशंस हो रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट और UHV3 सेशंस की यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसकी लिंक भी चैट बॉक्स में है, तो वहाँ से मतलब उस लिंक के साथ में हम उस वीडियोज को भी देख सकते हैं हमारी क्लैरिटी के लिए। तो भैया आज के लिए इतनी बात की, तो क्या हम रुक सकते हैं? जी रुक सकते हैं भैया जी।